आपकी योगाचार्य नमिता। मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो देने जा रही हूँ जो कि आपको इस कोरोना काल में रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं आज आपको कुछ ऐसे प्राणायाम आसन बताऊंगी जो कि आप डेली हाफ एन आवर भी कर लेते हैं तो आपकी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। इनफैक्ट अगर आपको कोई कोरोना हो भी जाए तो रिकवरी आपकी फास्ट होगी। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में आपको हेल्प करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा आपको उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी बीमारियों से लड़ने में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ आसन ऐसे बताऊंगी जो कि कम समय में बैठकर आप घर में बैठे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये डे टू डे एक्टिविटी में इसको रोज आप करें, इसे सिर्फ अभी नहीं करें, इसे लॉन्ग लाइफ अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर ले, ये लाइफ का एक हिस्सा बना ले। ये चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करेंगी। आज कोरोना वायरस है और जो दिख रहा है उससे बस हमें यही लग रहा है ये खत्म नहीं होगा, हमारी लाइफ के साथ चलता ही रहेगा। इस चेन को ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी बॉडी पर ही काम करना है, अपने मन पर ही काम करना है। सबसे पहले आप कपालभाति करें। कपालभाति एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, इसलिए कोई भी आसन या प्राणायाम शुरू करने से पहले आप कपालभाति करिए। कपालभाति का वीडियो मैंने अपना देव बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा, उसमें मैंने हर एक बेसिक चीज बताई है। आप उसके कपालभाति डीप इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन, एक मिनट में 120 स्ट्रोक्स आपको लेने हैं। कपालभाति से आपके लंग्स मजबूत होंगे। हम जैसे कि हमारे योग ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा है कि सिर्फ कपालभाति करने से कफ से रिलेटेड जो भी आपके रोग हैं, चाहे वो साइनस हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे कोई भी आपका अस्थमा हो, वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए रेगुलर कपालभाति करें, 5-10 मिनट कपालभाति आप कर सकते हैं। कपालभाति से आपके लंग्स तो मजबूत होते ही, साथ से साथ कपालभाति से आपके कफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब मजबूत होते हैं और ये प्यूरिफिकेशन अपनी बॉडी से कहीं ना कहीं गंदगी निकालता है, इसलिए कपालभाति जरूर करें। इसके बाद आप सर्पासन, ऐसे सारे आसन आप करें जो कि आपके लंग्स को, आपके चेस्ट पोर्शन को एक्सपेंड करता है, जैसे कि सर्पासन हो गया, उष्ट्रासन हो गया, ये सारे आसन मैंने आपको बता रखे हैं। उष्ट्रासन हो गया, आपका उत्तान मंडुकासन हो गया, ये सारे आसन आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में, अलॉन्ग विद दैट आपका इम्यून भी स्ट्रांग होगा। इसके बाद लास्ट में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें, जैसे कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, होल्ड करते हैं और एक्सहेल करके अगेन राइट से इन्हेल, होल्ड एंड एक्सहेल, ये 1 राउंड है। इस तरीके से आपको 20 राउंड करना है। शिव संहिता में भी बताया गया है कि एक बार में आपको 20 राउंड विथ होल्ड अनुलोम विलोम करें आप, ये आपकी लंग्स कैपेसिटी हर तरह की बीमारियों को दूर करता है। एक यही ऐसा प्राणायाम है जो कि हर बीमारी में हम कर सकते हैं। अगर आपने अपने रूटीन में हाफ आवर कपालभाति, जो आसन मैंने आपको बताए हैं वो करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम को डेली करते हैं तो आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। अगर आप चाहें और अगर आप कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें, ये आपके इम्यून को बूस्टअप करेगा। सूर्य नमस्कार जो है आपके जो इसमें पोस्चर्स बनते हैं, जो इसमें डिफरेंट आसन होते हैं, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। तो एक तरह से अगर जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो आप एक्सहेल करते हैं और जब बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं तो आप इनहेल करते हैं। इस तरीके से आपका एक इन आसन के साथ आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है तो आपका इम्यून भी स्ट्रांग होता है और आपका आरटीआई से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप इस कोरोना काल में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं हम रोज सुन रहे हैं कि अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और इन केस हम इस कोरोना के चक्कर में आ भी जाएं तो भी हमारी रिकवरी फास्ट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस योग। आप मैंने लास्ट वीक देखा कि दैनिक भास्कर का जो पूरा पेपर था उसमें हर एक चीज का जो समाधान था, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन योग ही बताया, क्योंकि अब ये एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि ये योग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा
हम अपने रूटीन को, अपनी डेली लाइफ को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके साथ जो भी सरकार ने हमें प्रोटोकॉल्स दिए हैं, गर्म पानी पीने के, एसी में ना रहने के, और साथ ही साथ रात को हल्दी दूध काढ़ा, ये सब भी डेली लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत हेल्प आउट कर रही है, उसने बहुत ही ज़्यादा प्रचार किए हैं, लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है उनको सपोर्ट करने की। तो करें योग, रहे निरोग। मैं नमिता गुप्ता, आपकी योगाचार फाइनली आपको बताऊंगी। मैंने जो भी कुछ आपको बताया है वो सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। इवन आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, हर एक आसन जो मैंने आपसे बोला है सब मेरे वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखें और हेल्प पाए। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं और उनको भी हेल्प करें। इस कोरोना काल में हम घर बैठ के भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सही गाइडेंस दें। किसी भी तरह के मिस गाइडेंस को ना प्रमोट करें आप, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस समय बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, बहुत सारे मिथ हैं जो कोरोना को लेकर हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे फॉरवर्ड ना करें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।